नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिली। जी हम बात करते हैं बिहारी नगर वार्ड नंबर 11, जहां तमाम गंदगी के है और नालियों में पॉलिथीन भरी हुई है और सीवर लाइन भी टूटी हुई है। जहां मोहल्ले वासियों का कहना है कि पार्षद जी हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आते, जब भी आते हैं तो आश्वासन देकर चले जाते हैं। आज भी बिहारी नगर में पार्षद जी आए और आश्वासन देकर चले गए, आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी। 15 दिन से गंदा पानी आ रहा है, न तो पी सकते और न ही उससे कपड़े धो सकते, तो हम क्या करें? तो हम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स क्यों भरे? जब हम पानी नहीं पी रहे तो हम टैक्स क्यों भरे? फिरोजाबाद से विकास तिवारी की रिपोर्ट। क्या किस तरह की यहाँ पे आज परेशानी थी, किस तरह की आज मोहल्ले में परेशानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। यहाँ पर लगभग 20 दिन से गंदा पानी आ रहा है, जब भी टिल्लू या वो चलाते हैं उसमें पूरी बाल्टी झाव से भर जाती है, जिसे पी तो सकते नहीं है, नहाते हैं तो खुजली हो जाती है और बच्चे भी परेशान हैं। और ऐसे ही अगर आता रहा तो बहुत जल्दी महामारी फैलेगी। कोरोना तो नहीं फैला, लेकिन इस तरह की बीमारी फैल जाएगी जिसका निदान कराना मुश्किल हो जाएगा। और हम 20 तारीख को नगर जन निगम में भी गए थे, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लिखित में दिए, लेकिन आज 4-5 दिन होने के बावजूद वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपने पार्षद जी से सूचना दी? पार्षद जी सूचना दी थी, पार्षद जी के पास जहाँ, तो पार्षद जी कह देते हैं कि पहले वहाँ पे अपने लिखित में दो, तब मैं देख लूँगा। तो यहाँ नाली भी देख, नाली भी टूटी हुई है, इनसे क्या बोलते हो? नाली भी टूटी हुई, यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है जैसे आता है, वो कहते हैं ठीक है हम इसे खोद रहे हैं और नगर निगम वाले इसे कराएंगे, तो वो तो अपन जैसे गैस लाइन डली थी उसको सही करा गया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ईंटों को खुला छोड़ दिया। जिन लोगों के सामने थी उन्होंने अपने हाथ से ईंट लगा कर उसको ठीक किया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि हम लोग नगर निगम में आ गए हैं और हमें सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बावजूद आए दिन कोई ना कोई सर्वे होता रहता है और हाउस टैक्स का सर्वे हो रहा है, इसमें जब यहाँ पर कोई समस्या का निदान नहीं है तो किस बात का हाउस टैक्स है, किस बात का वाटर टैक्स है?